सारी चीजों की जो हमारे जीवन में आती है उस पर विजय पाए और वो मान इज्जत के लिए जो आजमाइश आती है उस पर वी कैन सी इन द लाइफ ऑफ डैनियल देयर वाज एन अर्ज इनसाइड आई विल नॉट डिफाइल मायसेल्फ वेदर द किंग विल किल मी और विल सेंड मी बैक इनटू द बेबीलोन और लेकिन डैनियल ने अपने हृदय में पूरा निश्चय कर लिया था कि मैं उस चीज में अपने आप को मुलवस नहीं करूंगा चाहे वो राजा मेरे को मार दे या वो मेरे को बाबुल में गुलामी के अंदर व्हाट अ ट्रेमेंडस फूड इज प्लेस्ड बिफोर इट और कितना अच्छा और शानदार खाना उसके यू नो हाउ इट विल बी व्हेन वी आर इनवाइटेड फॉर अ लंच टू मौर्य शेराटन और हम सोच सकते हैं कि जब मौर्य में शेराटन में हम किसी लिए बुलाए गए लंच के लिए तो कैसा हो वी डोंट नो व्हाट वी विल बी डूइंग देयर और हम नहीं जानते कि वहां व्हेन दैट ब्यूटीफुल फूड इज स्प्रेड बिफोर अस और इतना सुंदर भोजन हमारे सामने आई बिलीव एज अ यंग मैन दैट शुड हैव बीन अ ग्रेट टेम्पटिंग थिंग फॉर इट और मैं विश्वास करता हूं कि एक युवक के नाते उसके लिए एक बड़ी आजमाइश का ऑल द टाइम लिविंग इन बॉन्डेज
और हर समय उस बंदिश में रहना, नॉट हैविंग प्रॉपर फूड और अच्छा खाना ना मिलना, बट हियर इज इनफ फूड स्प्रेड बिफोर हिम, और लेकिन यहाँ पर काफी भोजन है जो उसके सामने रखा है, इसी फूड इज अ टेम्पटेशन, और खाना जो है भोजन जो है वो एक अजमाइश। इवन व्हेन द एनिमी केम टू टेम्प्ट जीसस क्राइस्ट ही टुक दैट प्लेस ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल, और जबकि वो शत्रु प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करना है तो उसने भी वही स्टोन इन द ब्रेड, और उसने कहा कि इन पत्थरों को तो रोटी बना, एंड ही नोस दैट ही कैन गेट मेनी क्रिश्चियंस इन दिस दैट वे, और वो जानता है कि बहुत से मसीह इस तरीके से उसे मिल सके। क्या करे साहब, इसके लिए काम कर रहे, यू सी जस्ट फॉर दिस स्टमक हियर और आई हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, और सिर्फ पेट के लिए तो ये सब कुछ करना पड़ रहा है। एंड सो वी कैन सी देयर आर मेनी पीपल दे डिफाइन देयर लाइफ जस्ट फॉर लिविंग अप ऑन दिस अर्थ, दे और इस धरती पर रहते हुए बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को अशुद्ध कर देते हैं। बट आई वांट टू से दैट गॉड वांट्स अस टू ओवरकम सच थिंग, और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि ऐसी चीजों पर विजय। द वर्ड ऑफ गॉड सेज वेरी क्लियरली दैट आई हैव नॉट सीन द चिल्ड्रन ऑफ द राइटियस बेगिंग, और परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्टता के साथ वचन कलाम में बताता है कि मैंने कभी किसी धार्मिक को भीख मांगते नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन दैट चिल्ड्रन बेगिंग, और मैंने उनके बच्चों को कभी भीख मांगते नहीं देखा। सो बिलीवर दैट इज द टेस्टिमनी ऑफ गॉड, और यह परमेश्वर की तरफ से। आई हैव बीन यंग, आई हैव बीन ओल्ड नाउ, और मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं। बट आई हैव नॉट सीन द चिल्ड्रन ऑफ द राइटियस बेगिंग, और लेकिन मैंने उन धार्मिक के बच्चों को कभी भीख मांगते नहीं। बिलीवर इफ वी स्टैंड लाइक डैनियल फॉर द राइटियसनेस ऑफ गॉड इन एनी गिवन सिचुएशन, God will stand with you. और अगर हम डैनियल की तरह किसी भी स्थिति में खड़े रहे, दृढ़ हो जाए, तो परमेश्वर जो है सहायता करे। So we see in Daniel that determination in his life that he will not defile himself. और यहाँ पर हम डैनियल को देखते हैं कि अपने जीवन में उसने एक दृढ़ निश्चय कर दिया कि वो कभी भी अपने Beloved, what is the determination in your heart? और आपके हृदय के अंदर क्या निश्चय किया? Now it may not be food that is before you. और हो सकता है कि ये भोजन ना हो जिसके द्वारा आप पर परीक्षा आए। But there are many other things that we see in the secular world. और लेकिन इस कामकाज के संसार के अंदर बहुत सी। When you see so many defiling things all around us, what is your determination in your heart? और जबकि हम अपने चारों ओर बहुत सी चीजें देखते हैं जो अशुद्ध कर सकते हैं, तो आपके जीवन में, आपके हृदय में क्या? Now, beloved, this determination needs to arise from within. और ये निश्चय जो है ये हमारे अंदर, हमारे भीतर से उठना। Nobody can inject these things into us. और कोई चीज बाहर, कोई भी बाहर से इनको हमारे शरीर में नहीं डाल सकता। Daniel determined in his heart. और डैनियल ने अपने हृदय में इस चीज का निश्चय। But Daniel's determination did have an effect upon other people. और लेकिन डैनियल का निश्चय करने के कारण से दूसरों पर भी कुछ प्रभाव पड़ा। There was other people called Shadrach, Meshach and Abednego. और वहां पर लोग थे जिसका नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो था। And we could see that when Daniel decided, Shadrach, Meshach and Abednego also received the inspiration to the life of Daniel. और जब डैनियल ने इस चीज का निश्चय किया तो शद्रख, मेशख और अबेदनगो को भी प्रेरणा मिली डैनियल के द्वारा। And I want to say to all the believers here, और मैं सब विश्वासियों को यहाँ कहना, when you are determined in your life to see that you do not defile yourself, there are others who will watch your life and receive the same inspiration. और जब आप अपने जीवन में, अपने हृदय में निश्चय कर लेते हैं कि अशुद्ध नहीं होना है, तो दूसरे हैं जो कि इस प्रेरणा को पाकर वो भी वही। When the wife shall see the determination of the husband, she will receive the inspiration for that. और जब पत्नी देखेगी कि मेरा पति जो है उसने निश्चय कर लिया है, तो वही प्रेरणा उसको भी मिलेगी। When the child, the children have seen the father and mother determined in the things of God, they receive the same inspiration. और जब बच्चे देखते हैं कि माता पिता ने परमेश्वर के लिए ठोस कदम उठा लिया है, तो उनको भी प्रेरणा मिलती है। Oh beloved, let us have that determination that we will not defile this life that God has given unto us. और इसलिए हम अपने हृदय में इस चीज का निश्चय करें कि हम अपने जीवन में एक दृढ़ ऐसा निश्चय कर ले कि परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे। And so we see in the life of Daniel, first of all that he was determined to keep himself undefiled. और फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले डैनियल के जीवन में एक चीज थी कि उसने दृढ़ किया, निश्चय कर लिया कि वो अपने आप को अशुद्ध नहीं करे। इफ यू एंड आई वांट टू बी एन ओवरकमर, वी नीड टू डिटरमिन इन आवर हार्ट स्टेडफास्टली that we will not defile ourselves in any situation. और अगर आपने और मैंने इस चीज का निश्चय किया है कि हम दृढ़ता के साथ में
अपने ये निश्चय कर लिया है कि हम अशुद्ध नहीं करेंगे. मे बी फॉर दोज पीपल हु हैव बीन देयर ऑन सैटरडे दिस मे बी अ रिपीटेशन वन और टू पॉइंट्स परहैप्स. और हो सकता है कि वो जो लोग जो शनिवार को उस दिन थे उनके लिए दोबारा कहा गया. लेट अस वी रीड हियर वी सी इन वर्स 9 नाउ गॉड हैड ब्रॉट डैनियल इन द फेवर एंड टेंडर लव विद द प्रिंस ऑफ द यूनिट्स. And the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear my lord the king, who hath appointed your meat and your drink. For why should he see your faces worse liking than the children which are of your sort? Then shall he make me endanger my head to the king. Then said Daniel to Melchizedek, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, prove thy servants, I beseech thee, 10 days. And let them give us pulse to eat and water to drink. So here we can see Daniel said to these servants, give us not meat, but give us pulse and water. और यहां पर हम देखते हैं कि राजा के अधिकारियों को डैनियल ने कहा कि हमें वो अच्छा भोजन और मीट ना दो बल्कि सिर्फ दाल और पानी दो. इसी डैनियल did not know all about the calories that will be in dal. और डैनियल को वो सारी कैलोरीज जो कि दाल में है उसके विषय में कोई जानकारी नहीं. But Daniel had the faith in the living God that he may be drinking sometimes water and eating dal, but God is going to give him the strength much more than the other people. और लेकिन डैनियल का पूरा विश्वास अपने परमेश्वर पे था कि चाहे वो दाल और पानी ही पर ही गुजारा क्यों ना करे लेकिन परमेश्वर जो है उसके शरीर में पूरी शक्ति. You see, God chooses the foolish things to confound the wise. और परमेश्वर जो है वो मूर्खता को चुनता है ताकि वो बुद्धिमानों को वो शर्मिंदा करे. And that is why the wise man always miss the principles of God. और इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो हमेशा परमेश्वर की उस नियमों को. That's why the wise man always go into the king's palace instead of a manger. और इसीलिए बुद्धिमान लोग जो है हमेशा राजा के महलों में जाते हैं और उस चरनी में नहीं आते. And as long as you walk into the king's palace, you are going to miss the Messiah. और जब तक आप उस राजा के महलों में हैं, आप मसीहा को खो देते हैं. And here we can see that Daniel had a tremendous faith in God. और यहां पर हम देखते हैं कि डैनियल का पूरा विश्वास था परमेश्वर के ऊपर. And he said to the servants, it will not happen, so you give us 10 days. And we will prove ourselves to you. और फिर उसने अधिकारियों को डैनियल ने कहा कि ऐसा नहीं होगा तुम हमें 10 दिन 2 हम इस चीज को पूरा सबूत दे देंगे. They had faith in the living God. और उनका विश्वास उस जीवित परमेश्वर में था. They had faith to say that the God is able to give them good health than the other young people. और उनका पूरा विश्वास था ये कहने के लिए कि परमेश्वर जो है उनको अच्छी सेहत देगा उन दूसरों के बजाय. Now, as I said before, we are living in a time wherein we see that the price of every commodity is going high. और हम ऐसे समय में रहते हैं जबकि हम देखते हैं कि कीमतें जो है चीजों की जरूरी चीजों की बहुत ऊपर जा रही हैं. And we get trouble in our hearts. और अपने हृदय के अंदर अपने मन में हम चिंतित हो जाते हैं. Everything is going high. और हर एक कीमत जो है ऊपर. I keep receiving many letters from South India. और साउथ इंडिया से बहुत से पत्र आते हैं. Coconut oil 1 kilo is 30 rupees now. और वो नारियल का तेल जो है वो 1 kilo 30 rupees का. The things of the prices of the things are going very high. और कीमतें जो है चीजों की बहुत ऊंची हो जाती है. How can we live in this world? और इस संसार में हम कैसे जी सकते हैं? Now Jesus said to his disciples. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को. Do not worry about what you will drink and what you will eat. और तुम चिंता ना करो कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे. Seek first the kingdom of God and all these things shall be added to you. और सबसे पहले तुम परमेश्वर की राज्य की खोज करो और ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी. And if you are going to sing the same song the people in the world are singing today, beloved, you are going to receive a defeated life in the coming days. और अगर आप वही गाना गाएंगे जो कि आज तो संसार के लोग गा रहे हैं तो आप एक जीवन में अपनी हार हमेशा पाते हैं. If your confession is as the other people, then you are not able to have victories in your life. और जिस तरीके से दूसरे लोगों का इकरार है अगर वैसे ही आपके पास भी है तो आप अपने जीवन में विजय नहीं पा सकते. Beloved, we need to know that God is preparing us in these days.
चीजें और हमने इस चीज को जानना है कि परमेश्वर हमें इंद्रों में तैयार डैनियल वॉज अंडर प्रिपरेशन ऑफ गॉड इन दीज प्लेसेस और इन सब जगहों में डैनियल जो था परमेश्वर की तैयारी गॉड हैज नॉट प्लेस्ड डैनियल इमीडिएटली टू बी समबडी वेरी बिग इन द किंगडम और डैनियल को परमेश्वर ने एकदम से नहीं खड़ा कर दिया कि वो राज्य के अंदर डैनियल वॉज गोइंग थ्रू ए टाइम ऑफ प्रिपरेशन इन गॉड और लेकिन डैनियल जो था वो परमेश्वर की तैयारी में से होकर जा रहा है आई बिलीव दैट डेज दैट वी आर गोइंग टू फेस इन द फ्यूचर are going to be very hard days and God is wanting to prepare us right now aur mera vishwas hai ki aane wale dinon mein hamare liye badi badi mushkilatein aayengi aur un mushkilon ke liye parmeshwar ab se hame many times sometimes in the family we sit down with little money thinking what are we going to do with this aur bahut si baat parivar ke andar hum baithte hain aur thoda sa paisa hamare paas hota hai aur hum sochte hain ki ab hum kya karenge but I want to say to us that God knows how to keep his own और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं हमसे कि परमेश्वर जानता है कि किस तरीके से उसने चला डू नॉट रिसीव द काउंसिल दैट योर नेबर लेडी विल गिव टू यू और वो सलाह मशवरा जो आपके पड़ोसन आपको दे रही है उसकी चिंता ना करें नो व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ और अब आप क्या करेंगे This thing is going high very much. और ये चीज जो है बड़ी इसकी कीमत बढ़ आई वॉन्ट टू से फॉर अस अवर प्रोवाइडर Our Savior is the Lord Jesus Christ. और अब हमारे लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बचाने वाला और हमारे देने वाला प्रभु यीशु Our health does not depend upon the things that we eat in the spiritual. और वो चीजें जो कि हम खाते हैं आत्मिक रूप से उसमें हमारी तंदुरुस्ती नहीं है If I say that in the spiritual meaning or in the spiritual aspect of our life, और अगर आत्मिक रूप से अपने जीवन को हम देखें You see, I want to say to us that our physical strength does not depend upon the things that we eat. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती जो है शक्ति जो है उन चीजों पर निर्भर नहीं है जो हम खाते हैं If we speak naturally, और अगर हम प्राकृतिक रूप से हम देखें we can see that everybody would say to us, you should eat this, you should eat that, and so many things. और हम ये कह सकते हैं कि हर एक हमसे कहेगा कि ये चीज खाओ वो चीज खाओ ये चीज खाओ बट आई वॉन्ट टू से दैट गॉड इज अवर हेल्थ और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ही है गॉड कंटिन्यू टू गिव अस हिज हेल्थ और परमेश्वर हमें वो स्वास्थ्य देता रहेगा नाउ देयर आर वेरी मेनी रिच पीपल और बहुत से धनी लोग दे ईट सो मच ऑफ गुड फूड और वो इतना अच्छा भोजन खाते हैं वी सी दैट दे डू नॉट लैक सिकनेस इन देयर फिजिकल बॉडी और हम देखते हैं कि उनके जीवन के अंदर बीमारियां बहुत द मोर दे ईट द मोर दे गेट और जितना वो खाते हैं उतना बीमार है एंड आई वांट टू से दैट आवर हेल्थ प्राइमरली कम्स फ्रॉम द लॉर्ड और मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य है वो केवल And beloved, you want to be an overcomer in these days. और आपको विजय होने की The preparation of God is very much in your life now. और वो तैयारी जो परमेश्वर की है आपके जीवन You may be getting 800 rupees in your hand. और हो सकता है कि 800 रुपए आपको And then you have to pay 400 rupees rent. और फिर आपने 400 रुपए किराया देना है Then everybody else in the world sing a song. What can I do? What can I do? और जैसे कि हर एक व्यक्ति संसार में कहता है मैं क्या करूँ So I will do some part-time work. और इसलिए कुछ मैं part-time work करूँ क्या हो गया आजकल नहीं देख रहा है भाई क्या बात है मिलते नहीं है आजकल ओवर टाइम काम के लिए जा रहा है हाउ टू लिव ब्रदर कैसे जिए बिलीवर आई वांट टू से दैट गॉड इज अवर हेल्थ और मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारा स्वास्थ्य सी ऑल द थिंग्स दैट दिस वर्ल्ड कुड ऑफर टू अस विल नॉट बी Anything compared to what God is offering to us in Christ Jesus. और वो सारी चीजें जो संसार हमें दे सकता है उसका कोई मुकाबला उन चीजों से नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह में मिलती हैं. You see the people of God who depended upon God, God provided them. और हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों को जो उस पर निर्भर थे परमेश्वर ने उनको दिया Look at the life of John the Baptist. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की What he was eating. वो क्या खाता था Locust. और चींटियां Praise the Lord. He was eating the locust. और वो चिड़िया खाता And God made him a tremendous rugged man to stand before great authorities. और परमेश्वर ने उसको ऐसा जबरदस्त व्यक्ति बनाया कि बड़े बड़े अधिकारियों के सामने वो खड़ा हुआ There was a famine for 3 years. और 3 साल तक अकाल था And then comes another rugged man, Elijah. और एक और जबरदस्त व्यक्ति खड़ा होता है Who would not mind the king and the army of the king. और जो कि राजा के सेनाओं के कोई चिंता नहीं करता था Who provided for it. और उसको किसने दिया And I want to say that these are not mere stories that in our pleasure and good feelings that we can read in the Bible. और मैं ये कहना चाहता हूँ ये सिर्फ एक कहानियों का रूप हमारा ही नहीं है जिसको कि हम बाइबल में पढ़ सकते हैं The God of Daniel is still alive. और वो डैनियल का परमेश्वर अब भी जीवित है The God of John the Baptist is still alive.
life. And even if you are only eating dal and roti every day, he is able to keep you in health, I want to declare to you. Word of God says, let us not be worried about what we shall drink and what we shall eat like the people in the world. और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम चिंता ना करें उन संसारिक लोगों की तरह जो ये कहते हैं कि हम क्या खाएंगे. Beloved, if you want to be in that overcomer's company, और अगर आप उस विजयी लोगों के, then let your heart be determined that you will not defile yourself, but you will keep yourself into the principles of the kingdom of God. तो आप अपने हृदय में आपको ये निश्चय करना होगा कि अपने आप को आप उन संसारिक चीजों से उस भोजन से अशुद्ध नहीं. Now there is another common philosophy among the believers. और एक और आम फलसफा है जो कि many of these things are borrowed from the world. और ये सारी चीजें जो है वो संसार से उधार ली गई हैं. And if both are not working, how can we live in the city like Delhi? और अगर दोनों काम नहीं करेंगे तो दिल्ली जैसे शहर में क्या करेंगे? You see, I want to say to us, if we are really going to be content in that which God has given, it is possible. और अगर हम वाकई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर ने हमको दिया उसमें हम संतुष्ट रहते हैं तो ऐसा होना संभव है. I can call in many, many examples about और मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ. Now some of us do not feel bad of my telling this. और मेरे कहने से कुछ बुरा ना माने. I have seen the example of my own sister. और मैंने अपनी बहन का उदाहरण दे रहा हूँ. Husband and wife working and there is no real family unity and time with God, no victorious life. और पति और पत्नी जो है वो काम करते हैं लेकिन उनके परिवार के अंदर एकता नहीं है, वो शांति नहीं है और ना समय है. फिलोसफी और ये क्या फलसफा? Both are not working. How can we live in a city like this? और दोनों तो काम नहीं करते तो इस ऐसे बड़े शहर में क्या? Beloved, your principle is something far different from the principle of God. और आपका नियम जो है परमेश्वर के नियम से बहुत अलग और दूर. You see, when you turn to the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को देखते, the word of God says very clearly that a woman has been created by God to be a helpmate. और परमेश्वर का वचन को सफाई और स्पष्टता से कहता है कि महिला को इसलिए उत्पन्न किया गया था कि वो. The word of God does not say the woman shall go and work hard in the field and by the sweat of their forehead she shall feed the husband. और परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि वो महिला जो है वो जाके खेतों में काम करेगी, मेहनत करेगी, पसीना बहाएगी और उसकी कमाई से वो अपने पति को. What I want to say that let us see the principles of God. और मेरा कहने का अर्थ यह है कि हम परमेश्वर के let it not hinder our spiritual growth. और इस हमारी आत्मिक बढ़ोतरी जो है उसमें रुकावट ना. Let us not be concerned about what we shall eat and what we shall drink. और इस चीज की हम चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे. And the promise of the Lord is that I have not seen the righteous begging. और परमेश्वर की वाचा हमारे सामने यह है कि वो कहता है कि मैं कभी किसी को जो धार्मिक है. And the clause is the righteous begging. If you are unrighteous, we can beg, no problem. और अगर हम अधर्मी हैं तो हम जरूर भीख मांग सकते हैं. But the righteous, I have not seen the righteous begging. That is what the word of God declares. और लेकिन मैंने रास्ताबाज या अधर्मी को कभी भी भीख मांगते नहीं देखा. And so, beloved, I want to say to us, let us not be concerned about these things. और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन चीजों की हम चिंता ना करें. When we look at the life of Daniel, जब डैनियल के जीवन को हम देखते, they were drinking dal and water. और वो सिर्फ दाल और पानी का. And when the time of trial came, और जब कि वो परीक्षा का समय आया, they were 10 times stronger or better than other people. तो वो दूसरे लोगों से जो अच्छा भोजन खाते थे 10 गुना ज्यादा मजबूत और. And so beloved, the Lord wants us to understand this morning our health. And our health cometh from Him alone. और परमेश्वर आज ये कहता है कि हम जाने कि हमारा स्वास्थ्य है वो केवल परमेश्वर की ओर. I want to say to every one of us. और मैं ये हम में से हर एक. In the coming days, it will be still hard. और आने वाले दिन जो होंगे हमारे लिए कठिन होंगे. Let us not murmur against the government. और गवर्नमेंट के खिलाफ हम बुड़बुड़ाए ना. ये क्या गवर्नमेंट है? क्या के उस चमत प्रकाश में आगे बढ़ रहे हैं ऊपर. You are all together in a different frequency. और आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल अलग है. Your principles are all together different from the principles in the world. और संसार के नियमों से आपके नियम जो है वो बिल्कुल अलग. And I want to say to us that if we are concerned about food and problems and things in the world, we will not be able to become an overcomer in the coming. और मैं ये कहना चाहता हूँ अगर खाने पीने की और दूसरी चीजों की चिंता जैसे संसार करती हम करें तो हम वो विजय नहीं बन सकते. Well, if when we are seeking the kingdom of God, God is adding, praise the Lord. और जब कि हम
परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं तो प्रभु हमें दे रहा उसकी स्तुति हो. But let us not seek after those things and miss the kingdom of God in our lives. और लेकिन उन चीजों के पीछे भागकर परमेश्वर के उस राज्य को अपने जीवन में हम ना खोएं. And one of the things is that you see, when we come for prayer and when we come to eat the food, we have a ritualistic prayer. और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, जब हम खाना खाने के लिए एकत्रित होते हैं तो एक रीति रिवाज की तरह हम प्रार्थना करते हैं. When some people come together, they know about one brother. If you tell that brother will pray in two words. और अगर जब खाना खाने के एकत्रित होते हैं तो एक भाई को कहते हैं और वो भाई जो है वो दुआ just in two words will pray. वो शब्द में सब खत्म कर. Blessed food, amen. और बहुत सी बार हमारी प्रार्थना जो है एक रिवाज, एक आदत सी बन गई, एक मुर्दा. But when you look at the life of Daniel, और लेकिन जब हम डैनियल के जीवन को देखते हैं, I believe that Daniel must have given thanks for dal and the water and drank it. और मैं विश्वास करता हूँ कि डैनियल ने उस दाल और पानी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया होगा. इसे when you look at the life of Jesus, और जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, give thanks to the Father. और उसने वो रोटी ली और धन्यवाद किया परमेश्वर. Beloved, with a real heart, pure heart, when we give thanks to God, there is something that happens, and God would really bring in that food to our body and nourish our body. और जब कि हम सच्चे हृदय के साथ प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो कोई कार्य ऐसा होता है और परमेश्वर की शक्ति उसमें आती है और वो हमारे शरीर को स्वस्थ. The Lord can bless that bread and feed so many. और प्रभु जो है उसको आशीष देकर बहुत सब खिला सकता है. So when we bless the food and give thanks to God, God can bring that little food into our body and nourish our whole being and make us healthy in these days. और जब हम उस थोड़े से खाने के लिए आशीष मांगते हैं, सच्चे दिल से धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर की शक्ति जो है हमारे अंदर जाके वो खाना जो है पूरे शरीर को स्वस्थ बनाता है, शक्ति देता है. Praise the Lord for God's wisdom. और परमेश्वर की वो बुद्धि जो है उसके लिए धन्यवाद. Praise the Lord for God's ways. और उसका मार्ग जो है उसके तरीके जो He repeatedly says in the word of God, your thoughts are not my thoughts. और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कुछ स्पष्टता से लिखा कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार, neither are your ways my ways, और ना ही तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग. So beloved, God's ways are different. और इसलिए परमेश्वर का मार्ग जो है वो अलग है. And I want to say that to each one of us, that if we are not really taking up a stand with God now, in the coming days we are going to be more confused. और हम में से हर एक को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम परमेश्वर के साथ में आज कदम नहीं उठाते हैं तो आने वाले दिन हमारे लिए बड़ी कठिनाई के दिन होंगे. And the Lord shall give us what we need to eat and drink in these days.